जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इससे पहले जो है, मैंने पिछले सेशन में भी मैथ के कुछ प्रश्न कराए थे आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के सभी कैंडिडेट जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। यदि आपको टायर फर्स्ट क्वालिफाई करना है और टायर सेकंड में आपको जो है बैठना है, तो आप सभी को इन प्रैक्टिस करना होगा इन प्रश्नों की सभी की। देखिए, जो भी जिस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, सभी प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। क्योंकि बार बार पीडीएफ जो प्रोवाइड करता हूँ मैं आप सभी को, इसीलिए पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ जिससे कि आप जो है प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि फ्रेंड, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एग्जाम को लेकर के, क्वेश्चन को लेकर के, और आपको हर क्वेश्चन जो है वो आसान लगने लगेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रख के जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के यहाँ पर जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने शेयर कर दिया होगा। देखिए, फर्स्ट प्रश्न आप सभी को ये मैंने पिछले सेशन में प्रोवाइड किया था और आप सभी ने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया था। लगभग सभी कैंडिडेट का बिल्कुल सही था, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर आया। देखिए, तरीका क्या है, आपको जो है यहाँ पर दो ट्रेनों की गति का रेशो दिया गया है। उसके बाद जो है सेकंड ट्रेन की ने 8 घंटे में जो है 800 किलोमीटर की दूरी तय करी है। पहली ट्रेन की गति पूछिए तो S2 की यहाँ पर आपको गति दी गई है, यानी कि 8 घंटे में कितने 800 किलोमीटर। तो यहाँ पर स्पीड आप निकाल लेंगे, आप सभी जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी दूरी आ जाएगी सेकेंड ट्रेन की। तो सेकंड जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछी गई है पहली ट्रेन की। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पहली ट्रेन और सेकंड ट्रेन आपका जो है रेशो आपको दिया गया है कितना, 4:5 दिया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ सेकंड ट्रेन की जो रेशो में जो स्पीड है वो 5 ना होकर के कितना हो जाएगी, 20 गुना है। तो क्योंकि 20 100 निकल के आई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार फर्स्ट ट्रेन की आप गति यहाँ पर निकालेंगे तो ये भी आपका 4 ना होकर के 20 गुना होगी, यानी कि आपका कितना हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का आंसर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है बिल्कुल सही है। क्योंकि हमको जो है देखिए, दो यहाँ पर 100 निकल के आई सेकंड की, बट यहाँ पर रेशो में 5 दी गई है तो 100 का 20 गुना है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है सेकंड की जो स्पीड है वो रेशो में 4 दी गई है फर्स्ट की, तो वो भी आपका जो है 20 गुना होगी, क्योंकि दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, तो यहाँ पर जो 80 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ने कर लिया होगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी जो है तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप सभी एग्ज़ाम में गलती ना करें और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को करना है। देखिए, क्या सिंपल तरीका हो सकता है इस प्रश्न का सॉल्व करने का। देखिए, राहुल और राघव का जो है एक साथ क्या करा है, दोनों ने मिलकर 260 फूल तोड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखेंगे और उनका जो फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात आपको 8:5 दिया गया है। राघव के द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या पूछी गई है। देखिए, राहुल की पूछे या फिर वो राघव की पूछे, तो दोनों के आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए, आप सभी को क्षमता का योग दिया गया है और क्षमताओं का अनुपात, देखिए दोनों ने मिलकर जो है 260 फूल तोड़े हैं घंटे में, लेकिन रेसों में जो उनकी क्षमता है वो 8:5 है। तो यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर R1 मानेंगे हम राहुल को और R2 जो है आपको यहाँ पर मानेंगे राघव को। तो इनका अनुपात रेशो का कितना है, 8:5। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दोनों ने मिलकर जो तोड़े हैं 260 फूल तोड़े हैं, तो ये 8:5 13 है, रेशो मान लेंगे से जो है वो 260 के बराबर है। तो एक रेशो आपका यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे भी यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट। अब आपका रेशो आ गया, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको कहा गया है कि ये आपका रेशो आ गया निकल के 20। अब जिसकी भी आपसे पूछी जाए, देखिए आपसे पूछी जा रही है, राघव को हमने जो है R2 से डिनोट किया है और राहुल को जो है R1 से। यदि आपसे राघव की पूछी गई है तो ये भी 5 ना तोड़ करके उसका 20 गुना, यानी कि कितने फूल तोड़ रहा है वो, उसकी जो क्षमता है वो 100 फूल तोड़े हैं उसने मिल करके, टोटल जो फूल तोड़े हैं उसने 100 तोड़े हैं। यदि आपसे राहुल की पूछी जाए तो वो भी आपका जो है 20 गुना होगी, यानी कि आपका 160। तो यहाँ पर भी जो है इसने जो है कितने फूल तोड़े हैं, तो वो भी 160 होगा, 160 होगा, यहाँ पर 10 आप काट लेंगे, यहाँ पर 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 160 हो जाएगा ये आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, टोटल जो हो जाएंगे आपके 260 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है राहुल ने जो 160 तोड़े हैं और जो जिसमें से आपके जो है राघव ने जो है वो 100 तोड़े हैं। तो यहाँ पर राघव पूछा है तो 100 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप सभी ने समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न का तरीका बहुत अच्छा है, आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं, तेजी के साथ करेंगे तो बिल्कुल। देखिए एग्जाम को लेकर के आप जो है बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता ना करें, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम को लेकर के बार बार कमेंट करते हैं तो मैंने आप सभी को वीडियो डाल दिया है और आप सभी ने देख लिया होगा। देखिए आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि आपका पूरी तरह से जो कन्फर्म है वो आपको मंगल या बुध के आसपास जो है, यानी कि आने वाला जो आपका मंगल है और ट्यूसडे को या फिर आपका वेनसडे को जो है पूरा कन्फर्म हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, दिसंबर में होगा या फिर आपका जनवरी में होगा। तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है चिंता ना करें, क्योंकि अभी बहुत कुछ बदलाव यहाँ पर DRDO की तरफ से किया जा रहा है और बहुत कुछ अभी आगे होने वाला है। तो इस बार आपके पास बहुत कुछ मौका है, तो आप सभी जो है निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट का, ज़्यादातर कैंडिडेट आंसर कर रहे हैं। देखिए जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा। देखिए तुक्का नहीं लगाना आपको, एक TV का जो वास्तविक मूल्य है, देखिए यहाँ पर आपको 20% की छूट और 10% का फिर उस पर बढ़ाया गया है, ये ध्यान रखना है कि फिर से 10% बढ़ाया गया है, नया मूल्य जो है वो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, या तो फ्रेंड्स आप इसे एक तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 9000 का पहले 20% छूट देंगे आप, तो 9 दूनी 1800 रुपये छूट हो गया। फिर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9000 से 1800 आप घटा लेंगे, तब उसके बाद जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद 1800 घटाएंगे तो उस पर जो है आपको 10% बढ़ा लेंगे, तो 10% यानी 7200 आएगा, 7200 का 10% आप निकालेंगे तो 720 आएगा, और 720 जो है वो आपको क्या करना है, 720 7200 में ऐड करेंगे तो 7920 रुपये हो जाएगा। बट आपको इस तरीके से नहीं करना है, तो आप चाहते हैं, मैंने आप सभी को बताया कि ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है बटे 100, क्योंकि ये आपका जो है लॉस और प्रॉफिट दोनों में लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको निकाल देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या निकालनी है कि कितने परसेंट का यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका लॉस ही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है एक का वैल्यू आपको 10 लेना है, जो आपका कमी हुई है छूट हुई है मानी कि 20 की, तो यहाँ पर 20 आपको लेना है, और यहाँ पर आपका जो है प्लस माइनस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, चलिए हम यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर 10 लेंगे, 10 गुणा माइनस के 20 है आपका बटे आपका जो है 100, क्योंकि आपका कमी वाला है तो माइनस आपको लेना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, और यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा क्योंकि बड़े से छोटा घटा रहे हैं, और जो कि आपका माइनस का है 20, इसी प्रकार यहाँ पर जो है माइनस का 2 हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर टोटल जो है माइनस के 12 आया है आपका निकल के। तो ये माइनस क्या दर्शा रहा है आपका, ये कमी को दर्शा रहा है, यानी कि 12% का लॉस होगा, ये क्या निकल के आया आपका 12% का लॉस। अब या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 9000 का जो मूल्य है उसका 12% कर लें, तो 12% यहाँ पर आप निकालेंगे, यहाँ पर आप सभी देखेंगे 12% आप यदि आप निकाल लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 12 जीरो 0 12 निम्मा 108, यानी कि आपका 1080 क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 9000 से 1080 घटाएंगे तो आपका जो है जो आप घटा के घटाएंगे यहाँ पर, देखिए 9000 से आप 1080 घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा 7920। तो ये इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों तरीका आप में से जो जो आपको बेस्ट लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और तेज़ी के साथ सभी करेंगे। देखिए सभी कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है डेवलप होगा, और आप जो है जो गलती करते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम पर, वो गलती करने से आप बच जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन अंतिम रूप से हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बढ़ेगा वही जो टिकेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर जो है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और तेज़ी के साथ सभी को करना है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो यहाँ पर जो है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो ये आपको पूछा है। देखिए सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है 25% बिल्कुल सही है, जितने भी छात्रों ने बिल्कुल सही इसी तरीके से जो है आप जो है तेज़ी के साथ आंसर देने की कोशिश क्या करें। तो देखिए यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस का जो आपको बोला गया है, सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस का कितना है, कॉस्ट प्राइस का 5/4 है। तो यहाँ पर देखिए आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, क्योंकि आप सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस को इसके नीचे लाएंगे इधर उठा के, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ब्रेसों में 5/4। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस 4 है,
चार से ये कितना बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस एक बढ़ रहा है, यानी कि चार से पाँच हो गया, तो चार पे कितने की वृद्धि हुई है, एक की वृद्धि, और इसमें जो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25% इसका जो है प्रॉफिट हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बहुत आसान प्रश्न था और ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर आया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दबाजी में आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आप सबसे पहले देख क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो है, देखिए सबसे पहले आपको जो है 3 की पावर 2 गुणा 2, इसी प्रकार वाई का भी इसमें लेना है 3 और गुणा 2 की पावर 3। इसी प्रकार आप जो है वाई जेड को लेंगे, अब तो यहाँ पर जो है जेड की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा और 2 की पावर 3 गुणा 3। इसी प्रकार नेक्स्ट में जो है आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा और 3 की पावर यहाँ पर जो है 2 गुणा 2। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो है आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए 3 की घात जो है आप सभी को मिलाना है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 की जो घात है वो आपकी 3 की पावर 3, टोटल यहाँ पर 1 घात ये है 3 की, तो ये 3 हो जाएगी। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 3 की पावर 2 मैक्सिमम घात देखेंगे आप 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 4 जो है वो मैक्सिमम घात आपके यहाँ पर आ जाएगी इसकी 3 की पावर 4। अब देखिए 2 की पावर मैक्सिमम कित में है, मैक्सिमम जो है वो आपकी किस कंडीशन में आपको दिख रही होगी, देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, ये टोटल जो है 2 की पावर 5, तो ये मैक्सिमम घात है इनकी, तो ये ही दोनों आपका जो है एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5। अब देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका 3 की पावर 4 जो है वो 81 आ जाएगा और 2 की पावर 5 जो है वो आपका 32 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2592 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट 2592 बता रहे हैं बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पर एक्स वाई से जो है आपको एलसीएम नहीं लेना है, पहले एक्स की वाई में मल्टीप्लाई करनी है तब आपको जो है एलसीएम लेना है तीनों का। तो बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया होगा सभी के में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए। देखिए थोड़ा यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी है और पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो बिल्कुल यहाँ पर 216 सेंटीमीटर के क्यूब क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है और जोड़ने पर बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल कितना होगा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल यहाँ पर तेजी। देखिए पहले आप सभी जानते हैं दो घन हैं और घन का सबसे पहले आप कह देंगे दो घन जो है दोनों घनों को आपस में जोड़ा गया है, तो पहले एक घन का आपको क्या करना है, क्षेत्र वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आप सभी जानते हैं भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा घात 3 क्या होता है, घन क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 3। तो 216 यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपका भुजा की घात 3 और यहाँ पर 6 की पावर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर एक भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भुजा की जो वैल्यू आ जाएगी, वर्ग की भुजा की वैल्यू 6 निकल के आपकी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर जो है घन की जो भुजा है उसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या हुआ है, ये जो आई है आपकी घन की भुजा 1 निकल के आई है, बट आप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो दो घन को बोला है इसने, इस तरीके से जो आप सभी यहाँ पर बनाना चाहते हैं घन, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है घन जो है वो इस तरीके से एक और फिर यहाँ पर साइड में इसका जो है बनाया गया है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरीके से एक घन और बनाया गया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे लंबाई जो है आपकी 6 प्लस 6, यानी कि लंबाई की जो आपकी वैल्यू आएगी वो 12 हो जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी दोनों को आपस में जोड़ने पर जो है वो आपका 12 हो जाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बस। बाकी जो आपकी चौड़ाई जो है वो भी आपकी 6 रहने वाली है, बाकी आपकी जो है हाइट जो है वो भी आपकी 6 रहने वाली है, बस इतना ही आपको यहाँ पर ऐड करना है, बाकी जो है आप निकाल लेंगे। यहाँ पर घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आप सभी जानते हैं कितना होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान रखना है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस हाइट और लंबाई, यानी कि पहले जो है लंबाई चौड़ाई का गुना होगा प्लस करके फिर चौड़ाई ऊंचाई का होगा, फिर जो है ऊंचाई और लंबाई का होगा, तो इनको जो है आपको ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, पहले जो है ये 12 6 72 हो जाएगा ये आपका, देखिए 2 बाहर रखेंगे 72 हो जाएगा, प्लस ये भी आपका जो है देखिए 6 और चौड़ाई आपका ये 6 6 36 हो जाएगा, और लास्ट में भी आपका 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप जोड़ेंगे 72
72 36, तो आप जोड़ेंगे ना, इसके जोड़ने के बाद जो है आपकी वैल्यू टोटल टोटल जो आ जाएगी यहाँ पर आपका जो है, देखिए 2 × 160 अंदर जो योग आएगा, सॉरी 180 आएगा अंदर, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 360 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लंबाई है वो दुगनी हो जाएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आसानी से आप कर देंगे। तो घन को जोड़ करके जो बनाया है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी के में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है, और इस प्रश्न को ध्यान रखना है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 60 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। तो क्या इस टाइप का जो प्रश्न है वो अक्सर कैंडिडेट जल्दबाजी में गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। तेज़ी के साथ सभी कैंडिडेट देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट का आंसर यहाँ पर सही आता है। सभी कैंडिडेट तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा है, ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ए होगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर ए दे रहे हैं, ए होगा यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए कैसे होगा, सिंपल करना है। देखिए सिंपल मान लेते हैं, हमको रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो एक्स मान ली हमने, मान ली आपने एक्स। देखिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो एक्स मान लेते हैं हम। अब रेलगाड़ी की लंबाई एक्स होगी प्लस आपका 600 मीटर का आपका जो प्लेट पुल हो गया, और आपको जो है यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड बराबर स्पीड रखेंगे आप, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो इस पर जो कितना सेकंड ले रही है, क्योंकि आप दूरी बटे यहाँ पर जो है 80 सेकंड ले रही है। इसी प्रकार सेकंड की बात करें तो सेकंड पुल को जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई तो सेम रहेगी, 200 मीटर लंबा पुल है, उसमें कितने सेकंड ले रही है, 40 सेकंड। तो 40 से 80 जाएगा दो बार, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और एक्स प्लस 600 बराबर 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x + 400। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे x की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 2x से जो है x चला जाएगा, और ये जो है 600 से 400 जाएगा तो 200 आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, 200 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पी क्यू और आर जो है किसी कार्य को क्रम से, देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बस यहाँ पर जो लास्ट में आपको कुछ ऐड करना होगा इसमें, तब आप जो है इसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि आपने नॉर्मल क्वेश्चन तो किए गए होंगे कि आपने जो है किसी कार्य को पी 10 दिन में कर रहा है, और जो है क्यों जो है 12 दिन में कर रहा है, और आर जो है वो आपका 15 दिन में करना है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इस तरीके का तो प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पर आगे जो कहा गया है, इन्होंने कार्य जो है शुरू किया और 2 दिन के बाद जो है पी ने काम करना छोड़ दिया, पी ने जो है वो काम करना छोड़ दिया, और कार्य पूर्ण होने से पहले 3 दिन पूर्व जो है वो क्यू ने भी काम करना छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न का लेवल भी बहुत अच्छा है, और इससे टफ लेवल आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है अच्छे से आंसर करेंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल यहाँ पर तेजी से देखिए, डिफरेंट डिफरेंट आंसर सभी का आ रहा है यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, देखिए बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन बी होगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 7 होगा कैसे, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे जैसे कहा गया है कि देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पी है, क्यू है, आर है, इनका जो है एलसीएम आपका निकल के आएगा। सॉरी यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ, पी 10 दिन में कर रहा है, क्यों आपका जो है 12 दिन में कर रहा है, और आर जो है आपका 15 दिन में कर रहा है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनका जो है एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम कितना निकल के आएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 60। 10 से कितना बार कट रहा है, यानी कि पी की जो कैपेसिटी है वो निकल के आ जाएगी, 10 × 60 12 × 5 = 60 यहाँ पर 15 × 60, यानी कि 1 दिन का जो कार्य है पी की जो कैपेसिटी है वो 6 कार्य कर सकता है, क्यू जो है 5 कार्य कर सकता है, और आर जो है वो 4 कार्य कर सकता है, यानी कि 4 की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप 2 दिन के बाद, तो 2 दिन का तीनों का निकालना है आपको, पहले यहाँ पर जो है ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, इसको जो ऐड करेंगे आप, देखिए 6 और 9 = 15
तो टोटल जो है आप सभी को ऐड करेंगे यहाँ पर जो है आपका 15 आ जाएगा। कैपेसिटी कितनी है, यानी कि एक दिन में काम काम करने की 15 कैपेसिटी इनकी आ रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी। तो देखिए 15 काम जो है वो एक दिन में कर रहे हैं, तो दो दिन में कितना हो जाएगा इनका, 30 हो जाएगा। बट आपका काम कितना है, 60, तो आपका काम शेष काम कितना बचा, 30 काम बचा। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अब इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि 30 काम आपको करना है, और उसमें जो है 3 दिन पहले जो है क्यों ने काम छोड़ दिया, तो 3 दिन का क्यों का काम निकालेंगे आप। क्यों का 3 दिन का काम कितना है, 5 काम कर रहा है, 3 दिन का काम जो है 15 आएगा, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, वो भी आर को करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको 15 भी ऐड इसमें करना होगा। तो टोटल जो है 45 हो जाएगा, और 45 को आप क्या करेंगे, आप 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पी और क्यू दोनों से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 15 काम ये छोड़ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है 15 ऐड किया है। तब आप यहाँ पर जो है 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 × 5 = 45। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 दिन आपके निकल के आए हैं, बाद के जो 2 दिन है उन 2 दिन को छोड़ करके 5 दिन में बाकी जो काम है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो 2 पहले हैं, 5 दिन बाद में लगे हैं, तो टोटल 7 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं आप, या फिर आप क्या करेंगे, पहले जो है पी का जो 2 दिन का कार्य है वो आपको माइनस कर लेना है, उसके बाद जो है आप माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है आप कार्य कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप तरीकों आप सभी की समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 7 दिन लगेंगे टोटल जो है काम को पूरा होने में। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में अक्सर जो है टाइम को जो है आपका टाइम लेता है, यानी कि समय लेता है। तो आपको कुछ ही सेकंडों में इस तरीके प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न जब भी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, तो आप क्या करेंगे, सीधा इसका जो है कैलकुलेशन, यानी कि आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे, यानी कि 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, और 5 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इससे जो आपको टाइम भी लगेगा इसका, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, 6/5, 4/3, और 3/2, और 5/4। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हर है उसका आपको एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम निकल के आएगा आपका 60। सिंपल है, छोटी बड़ी जो भी भिन्न आपको बतानी है वो आपको यहाँ पर बता देंगे आप। चारों में क्या करना है, इसका एलसीएम का मूल, चारों का एलसीएम लेना है, और उसी एलसीएम से चारों में गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप करेंगे, तो ये 12 बार जाएगा, ये आपका जो है 20 बार जाएगा, और ये आपका जो है 15 बार जाएगा, और ये आपका जो है 30 बार जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 12 × 72 हो जाएगा ये, और 20 × 80 हो जाएगा ये, और 15 × 75 हो जाएगा ये, और 30 × 90 हो जाएगा ये। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाए, तो सबसे बड़ी भिन्न तो ये होगी जिसका मान सबसे अधिक है। सबसे छोटी भिन्न पूछी जाए, तो सबसे छोटी भिन्न ये होगी, यानी कि 6/5 आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इस तरीके से आप कुछ ही सेकंडों में प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर जो है कुछ छात्र ऐसे हैं जो आंसर नहीं करते हैं, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि उनको आंसर देना है नहीं देना है। बट आपसे मैं ये कहूँगा कि आप जो है हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। देखिए x प्लस यहाँ पर दिया गया है कि cos x प्लस 1/cos x की वैल्यू आपको 2 दी गई है, तो cos की पावर nx प्लस 1/cos की पावर nx का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात आंसर देंगे, तो 4 आंसर होगा, या फिर आपका 6 आंसर होगा, या फिर आपका 2 आंसर होगा, या फिर आपका 8 आंसर होगा। टाइप करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में यही प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।